नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में चैप्टर 9 आप भले तो जग भला इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक है श्रीमन नारायण। इनका जन्म सन 1912 में हुआ था। श्रीमन नारायण का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। उन्होंने गांधी जी के आर्थिक सिद्धांतों का विशेषज्ञ माना जाता है। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य एवं गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं रोटी का राग एवं मानव है। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपने शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका, चिल्लाया, अंत में घास खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब मैं अपने मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उसके गुणों की ही और ध्यान देते हैं तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भोका करते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसोगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही
हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उसका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही उन अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों की सुधारने के लिए भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। दुनिया में पूर्ण कौन है? हरेक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आँख के सतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी कर नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़ दे तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कोटि बिहे बहे विचार, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रतिम पार उतार। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है तो उस अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका अपकार ही मानकर मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती में भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं, आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधरी जा सकती है, ठीक है ना? उनकी आंखों में आंसू छल छला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे
भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब न आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंककर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई मेरे आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कही नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेमय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम की सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शा कर अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और उन्हें नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी, सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर ज्यों ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया त्यों त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बुढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी के तरफ से जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों कर न सके समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला।
यह जली रोटी कौन खाएगा रे। यदि की झड़ी लगी रहती थी वह जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांट जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर भी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते। वह तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते ठीक है तो वह भी आदमी है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। उस पर भी मजा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोगों को उनका सम्मान नहीं करते, मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही है, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। बच्चों ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी पढ़ेंगे। प्रतिध्वनि किसी वस्तु से टकराकर आपस आई ध्वनि, छटपटाना, नोचना, आक्रमण करना, अशिष्टता, शिष्ट न हो ऐसा व्यवहार। मिसाल, उदाहरण, नमूना, सबक, शिक्षा, पाठ, ऐब, खोट, दोष, बुराई, खास, विशेष, सह, तीर, पठान के नीचे लगने वाली कड़ी, अमल, व्यवहार, नुक्ता चीनी, दोष निकालने का कदम, छिंदा वेंस श्रेष्ठ, आलोचना, बुराई, अवगुण, खराब गुण, बुरे गुण, निंदा करने वाला, उम्मीद, आशा, कुटी, झोपड़ी, दादू, भक्तिकालीन, एक प्रसिद्ध कवि, त्रुटि, गलती, कमी। बच्चों हम मुहावरे पढ़ेंगे। घस खाकर गिरना, मूर्छित होना, बेहोश होना, नुक्ता चीनी करना, दोष निकालना, निंदा करना, सबक लेना, सीख लेना, चुटकी लेना, मजाक उड़ाना, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, आंसू छलछलाना, दुखी के कारण आँखों में आंसू आना, दुम हिलाना, चापलूसी करना, प्यार की झंडी लगाना, बहुत प्यार करना, दिमाग चढ़ना, घमंड होना, अभिमान आना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, टूट पड़ना, आक्रमण करना। आगे हम बच्चों अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कांच के महल में पहले कुत्ते ने क्या किया। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कांच के महल में पहले कुत्ते ने अपना प्रतिबिंब कांच के महल में देखा तो उसमें उसे हजारों कुत्ते दिखाई दिए
और उसे लगा कि वे उसे मार डालेंगे। फिर वह भी सामने आकर भौंकने लगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा कांच के महल में किससे खेल रहा था? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, दूसरा कुत्ता कांच के महल में आया तो उसे भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए, परंतु वह दुम हिलाने लगा तो भी वे दुम हिलाने लगे, वह खुश हो गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक के मित्र किसे अपना परम धर्म समझते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, लेखक के मित्र दूसरों के विचारों की काम की भावनाओं की आलोचना करना अपना परम धर्म समझते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, गाय पालने का शौक किसे था? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, गाय पालने का शौक अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन को था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, सुकरात के अनुसार ज्ञानी कौन है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, सुकरात के अनुसार वही ज्ञानी है जो व्यक्ति मूर्ख हो और उसे वह जानता हो, वही व्यक्ति ज्ञानी है। दूसरा प्रश्न बच्चों अपने पढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है बच्चों, सरदार पृथ्वी सिंह ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गांधी जी। प्रश्न है, पाठ में मूर्ख की परिभाषा किसने दी है? तो पाठ में मूर्ख की परिभाषा संत सुकरात ने दी है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सेवाग्राम में विशेष जातियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, अहिंसा। चौथा प्रश्न है बच्चों, इमर्सन की नौकरानी व्यवहार में कैसी थी? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, इमर्सन की नौकरानी का व्यवहार कुशल थी। अब हम बच्चों स्वाद के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक अपने मित्र को हमेशा किस अवस्था में देखते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, लेखक अपने मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़े अवस्था में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोगों के दृष्टिकोण के बारे में ईशा ने क्या कहा है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, लोगों के दृष्टिकोण के बारे में ईशा ने लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आँख के सतीर को नहीं देखते। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बापू के किन गुणों के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, बापू के प्रेम और सहानुभूति के गुणों के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, गांधी जी लोगों की आलोचना किस प्रकार करते थे? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गांधी जी लोगों की आलोचना हंसकर, मीठी चुटकियां लेकर, अपना प्रेम दिखाकर लोगों की आलोचना करते थे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, निंदक हमारा ध्यान किन बातों की ओर खींचता है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, निंदक हमारा ध्यान अवगुणों की ओर खींचता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, दुनिया कांच के महल जैसी है, समझाओ। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, दुनिया कांच के महल जैसी है, जिसमें जैसा देखोगे
वैसा ही दिखेगा। पहला कुत्ता कांच में अपने प्रतिबिंब को देखता है तो उसे लगता है कि वे उस पर टूट पड़ेगा, मार डालेगा, तो वैसे ही दिखाई देता है। और दूसरे कुत्ते को कांच के महल में उसका प्रतिबिंब धूम हिलाते हुए दिखाई देता है। अर्थात हमारी दृष्टि में अंतर है, हम अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा ही दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता का रहस्य बताया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, तीसरे प्रश्न का आंसर है बच्चों, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसलिए कहा है कि जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं, उन सबको एक साथ रखने मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। इस प्रकार गांधी जी के आश्रम को प्रयोगशाला कहा गया है। चौथा प्रश्न है बच्चों, लेखक के मित्र का रसोईया क्यों भाग गया। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, लेखक के मित्र का रसोईया इसलिए भाग गया कि बेचारा करता भी क्या, सुबह शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे। यदि आदि की झंडी लगी रहती थी, जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर भी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते। वह तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, मेरे मित्र कह देते ठीक है तो वह भी आदमी है, उसके भी दिल में बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, आप भला तो जग भला शीर्षक का क्या आशय है। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, यहाँ दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भला तो जग भला और आप बुरा तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न दिखते हैं तो दूसरों के दोषों को न देखकर उसके गुणों की ही ओर ध्यान दें तो दुनिया आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेगी। इसी प्रकार आप लोगों की ऐबों की ओर देखते हैं। यहाँ पे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसमें पहला है बच्चों, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप, तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, जब आप लोगों के दोष न देखकर उसके गुणों की ओर ध्यान देंगे। दूसरा है बच्चों, दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर अमल करना कठिन है। तीसरा है बच्चों, अगर आप सेवाग्राम में मेरे आश्रम में आकर रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने शिष्टाचार का पाठ सीख लिया। चौथा है बच्चों, निंदक बाबा वीर हमारा बिनही कोटि बहे विचार। बच्चों ये पूरा होता है, अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे।
मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके बच्चों हम अर्थ बता दे रहे हैं, आपको वाक्य प्रयोग अपने मन से लिखना है। पहला है टूट पड़ना, इसका अर्थ है आक्रमण करना। दूसरा है दुम हिलाना, तो चापलूसी करना। तीसरा है नुक्ताचीनी करना, तो निंदा करना। चौथा है बच्चों चुटकी लेना, तो मजाक करना। पांचवा है दिमाग चढ़ाना, तो घमंड करना। प्रश्न पाँच में बच्चों ख है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। मान अपमान सज्जन। तीसरा है अपकार, तो अपकार। तीसरा है उपकार का, तो अपकार। चौथा है आवश्यक, तो अनावश्यक। पर्यायवाची शब्द लिखिए। मित्र दोस्त कुत्ता श्वान। गलती भूल निंदा बुराई तारीफ प्रशंसा। भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला अशिष्टता, तो अशिष्टता। दूसरा है मूर्ख, तो मूर्खता। तीसरा है सज्जन, तो सहज, तो सहजता। चौथा है सफल, तो सफलता। पांचवा है शत्रु, तो शत्रुता। बच्चों यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। यहाँ पे अपने स्वाध्याय और अभ्यास पढ़ें। ये सारा स्वाध्याय और अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखना है और ये पाठ पढ़ना भी है।